हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये अडेनियम का प्लांट है और कुछ दिनों पहले मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी और सभी प्लांट तो मैंने लगा दिए हैं, पर ये अडेनियम अभी यहीं पर है और छोटे से ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ था। जब मैं इसे लेके आई थी उसके बाद से हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी और लगातार एक हफ्ता 12 दिन बारिश हुई है। उस बीच मैंने इसे इसी तरह से गार्डन में रखा हुआ था और क्योंकि बारिश में लगाने का कोई मतलब नहीं था, प्लांट में फंगस भी लग सकता था, इसलिए से मैंने इसे बिना छेड़छाड़ किए अपने गार्डन में रखा हुआ था। आज मैं इसी अडेनियम को लगाने वाली हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ मौसम अच्छा चल रहा है और आप देख सकते हैं तो इसके पॉट की मिट्टी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। कुछ मेरी पहले की भी मिट्टी थी जो मैंने धूप में डाली हुई है, क्योंकि अडेनियम को लगाने के लिए कभी भी आप गीली मिट्टी में अडेनियम ना लगाएं, क्योंकि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है उसमें बहुत जल्दी फंगस लगते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अगर इस बारिश के सीज़न में आपको अडेनियम रिपोर्टिंग करनी है तो किन बातों का ध्यान रखते हुए ही अडेनियम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अभी आप देख रहे हैं ये अडेनियम है और इस तरह से ये रखा हुआ है। मैंने इसे उठाया तो ये एक बैग निकल चुका है क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है और प्लांट हमारा टेरेस पे रखा था और रखने के साथ अभी ये अच्छी ग्रोथ पे बना हुआ है। अब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ और मैंने ये वीडियो आप लोगों से इसलिए शेयर की है कि कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जो कि इस सीज़न अडेनियम रिपोर्टिंग करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखते हुए ही अडेनियम को रिपोर्ट करें। जब धूप निकलती है तो आपके गार्डन में पुरानी मिट्टी हो या नई मिट्टी हो, उसे आप अच्छी तरह से धूप दिखा सकते हैं और धूप दिखाने के बाद में उसमें अच्छी तरह से आप पहले सैंड मिलाएं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाल वाली सैंड रखी हुई है, इसी लाल वाली सैंड को मैंने इसमें मिलाया हुआ है। पुरानी मिट्टी है इसलिए से इसमें कंपोस्ट वगैरह अच्छे से मिली हुई है, तो आप जब भी मिट्टी मिलाएं तो इसमें रेत और सैंड बराबर मात्रा में होनी चाहिए और थोड़ी सी इसमें आप कंपोस्ट वगैरह मिला सकते हैं। अगर आपके पास काउडन कंपोस्ट है तो आप मिला लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट से आप कंपोस्टिंग करते हैं तो उस कंपोस्ट को ले सकते हैं। इस तरह से आप मिट्टी को तैयार करें। अगर बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें आप फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाएं। यहाँ पर मैंने अलग से रखा हुआ है फंगीसाइड पाउडर जो साफ़ का है। यहाँ पर नीम खली है, DAP मिक्स है उसमें और थोड़ा सा बोन मील है, ये भी मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगी। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही आप मिट्टी बनाएं। यहाँ पर मैंने मिट्टी का पॉट लिया हुआ है और ड्रेनेज होल को मैंने कवर किया हुआ है और ये भी अच्छा खासा धूप में रखा हुआ था और अभी अच्छी तरह से सूख चुका है। तो इस प्लांट को मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद में मैं इसकी मिट्टी नहीं हटाऊंगी, यानी इसकी रूट्स मैं एकदम खाली नहीं करूंगी और इसी तरह से इस मिट्टी के साथ मुझे लगाना है। तो इसे मैं मिला लेती हूँ और मिलाने के बाद फिर हम इस पॉट में इसे डालेंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि अडेनियम को जब भी लगाते हैं तो उसके रूट बॉल को आप पूरा ना खोलें और साथ ही साथ मिट्टी जो बनाते हैं उसको अच्छी तरह से धूप वगैरह दिखा दीजिए ताकि उसमें किसी भी तरह से फंगस वगैरह ना लगे। नहीं तो अडेनियम का प्लांट एक तो महंगा भी आता है, दूसरे अगर ख़राब हो जाएगा तो बहुत ही पछताना होगा, तो इसलिए से इसे आप बहुत सावधानी के साथ ही लगाएँ। मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सभी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं और अब हम इस पॉट में मिट्टी डालेंगे। अडेनियम अगर ले लिया है तो उसको लगाना ज़रूरी है, वरना ये अडेनियम रिपोर्टिंग का समय नहीं है और ये सब काम फरवरी में ही करने लायक है, तभी आपका प्लांट सेफ़ और सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर भी हम सभी गार्डनिंग करते करते इतना तो सीख ही चुके हैं कि किस प्लांट को किस सीज़न में क्या देखभाल के साथ किन सावधानियों के साथ लगाना है।
बस इसी तरह से मैंने इसे रख दिया है और प्लांट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसे थोड़ी सी मिट्टी से कवर करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी बिछा दी है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहली बार आप पानी अच्छे से दें, क्योंकि मिट्टी अच्छी तरह से सूखी हुई है और जब हम अच्छी तरह से पानी दे देंगे तो ये प्लांट हमारा सूटेबल हो जाएगा और अच्छी तरह से लग जाएगा। और अब हम इसे लगा करके अपने गार्डन में रखते हैं। पानी देते समय एक बात का ध्यान रखें कि पानी आप उतना ही दें कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद आप इसकी मिट्टी केवल मॉइस्ट रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप इस रेनी सीज़न में अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।